Good morning guys, welcome back to my channel and welcome back to a fresh new vlog. Today is Sunday morning और सब इस रूम में बैठे हैं, सब पूरा फैमिली. वो भी because AC on है. Today was Clarice 40 day. She did poop in different shapes and forms. When I came home, actually बाहर गया था कुछ वो एक्चुअली ग्रोसरी शॉपिंग करना था. तो आज आके ही मैंने सुना कि फ्लरी ने आज डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्म में पॉटी करके रखा है और उसको खुद में थोड़ा सा खुद को भी उससे नहलाई है, फिर क्लीन कर करके मेरा तो जूस निकल गया है आज. वैसे भी आज नहाने का दिन है और डैडी भी घर पे नहीं था कि बोलूं कि तुम साफ करो. मुझे ही करना था. कियारा, कैमरा देख के ही तुम पीछे क्यों ऐसे घूम जाते हो आजकल? हाँ, मैं देख रही हूँ. तो इसलिए हम सब सुबह सुबह यहाँ पे बैठे हैं. आज डैडी के साथ दोनों का ज़्यादा प्यार आप इसलिए देखोगे क्योंकि कल पूरे दिन डैडी घर पे नहीं थे. ही वेंट टू कल्याणी. कल्याणी कल सुबह गया था, पूरा दिन घर पे नहीं था, इसलिए आज ये दोनों एकदम डैडी को छोड़ नहीं रहे हैं. डैडी जैसे जान अटकी हुई है डैडी से और मम्मा तो जैसे कुछ नहीं है, है ना? तुम दोनों का कैसे पिट्टी होगा देखो. किसने पैसे, किसने वो सब भूल गई है. द एनीवेज, दिस इज द प्योर लव दैट इज रिसीव दिस मॉर्निंग. मैंने सेरेमिक का कुछ शॉपिंग किया है, फेसबुक में लाइव देख के शॉपिंग की और उनकी चीज़ों का मैंने बहुत ही अच्छा रिव्यू देखा है. तो इस बार मैंने फाइनली, बहुत दिन से सोच रही थी, एक बार सोची थी उनके घर जाके लूँगी क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर वो हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने लाइव देख के ऑर्डर करके ले लिया है. आज ही सुबह आ गया है. इसमें कुछ प्लांटर्स है, कुछ क्रॉकरीज भी है. क्रॉकरी कम है, प्लांटर्स ही ज्यादा है. मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्या क्या लिया है. बहुत इजीली ब्रेकेबल है तो इसलिए वो जोरो या उबर कनेक्ट से भेजती है. ये एक अच्छी चीज है. सुबह उन्होंने भेजा था और मुझे, मेरे पास अभी रिसीव हो गया. उबर कनेक्ट या जोरो से तभी पॉसिबल है जब कोलकाता के अंदर है. हाँ, कोलकाता के बाहर है तब, कोलकाता के बाहर है तब तो उनको वैसे ही करना पड़ेगा, तो शिपिंग चार्ज भी उसमें वैसे ही आएगा. माबो पिट्टी, दोनों डैडी बच्ची हो गई है, पिट्टी करेंगे. मम्मा, मामा इज गोइंग. ठीक है, मामा गोवा जा रही है. बाय. मामा गोवा जा रही है. ठीक है, बाय. क्यों? मामा गोवा जा रही है फ्रेंड्स के साथ. बाय 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 बाय. चलो बाय 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 बाय. क्यों अभी, क्यों अभी, क्यों आना है? टाटा टाटा. नहीं नहीं, लेके जाऊंगी. रहो डैडी के साथ. बदमाश बदमाश बदमाश. गोवा कैंसिल. चलो गोवा कैंसिल. Good evening guys. Flaru kyukyu. Good evening mama. See your favorite. What? Sanja Chula. Sanja Chula. ये बहुत टाइम पहले कोलकाता के बहुत सारे लोगों के फेवरेट थे. अभी तो और भी बहुत सारे नए नए हो गए थे. मेरे भी थे. बहुत अच्छा यहाँ पे वो पंजाबी, मतलब नॉर्थ इंडियन अच्छा मिलता है. ढाबा स्टाइल. ढाबा स्टाइल टेस्टी खाना. 5:30 बजे हम लोग निकले हैं क्योंकि आज, और हाँ मैं सबको विश करना ही भूल गई. टुडे इज 8th of May. सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर हु आर वाचिंग दिस वीडियो. सारे फादर्स को भी जो मदर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं डेली लाइफ में, सबको, सबके लिए बहुत सारे गुड विशेस. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल. सैल्यूट एंड कुडोस टू ऑल ऑफ यू. वी लिव आवर लाइव्स बिकॉज़ ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच. ये तुमने दिल से कहा. हां, जो पॉ मदर्स है, हाँ जगो मदर्स, उनको तो स्पेशल स्पेशल लव हमारे तरफ से, फ्लरी केरा के तरफ से. हमारा जॉब भी बहुत डिफिकल्ट है. लोग सोचते हैं क्या है, बच्चे का कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, बट बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी भर बच्चे रहते हैं और हमेशा आप पे डिपेंडेंट रहते हैं. बिना बोले उसके सारे ज़रूरतें आपको समझना पड़ता है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी अ पेट पेरेंट एक्चुअली. अगर आप एक्चुअल में पेरेंटिंग करो, पेट पेरेंटिंग, तो दैट इज एक्चुअली डिफिकल्ट. एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु आर डूइंग इट. ऑल माई लव फॉर यू गाइज. वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स हु हैव 4 लेग बेबीज. हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? तो मदर्स डे के दिन दीदी भाई से मिलने से अच्छा काम और हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग जा रहे हैं दीदी भाई के घर. बहुत दिन मिले भी नहीं है और सैटरडे मेरा बहुत बोरिंग गया है क्योंकि दीपांजन घर पे नहीं था, कल्याणी गया था, तो मैं तो पक चुकी थी घर पे. संडे को हमारा प्लान ही था कि हम जरूर निकलेंगे. आज थोड़ा सा तूफान, बारिश होने का फोरकास्ट था, बट फिर भी हम लोग निकले हैं. अभी तक तो नहीं हो रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा. मीठू को भी हम बोले थे आने के लिए बट वो नहीं आना चाहती है, तो ठीक है चलो, उसको अगर घर पे रहना अच्छा लगता है। हम लोग कुछ भी चीजें किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते। हम लोग आए हैं दीदी भाई से मिलेंगे और आज वहीं पे डिनर करेंगे। तो मैं ना खुद ढूंढ रही हूँ कि अगर रास्ते पे कहीं पे कोई फ्लोरिस्ट मिले, मुझे दीदी भाई के लिए बुके लेना है। एक्चुअली ऐश्वर्या अभी यहाँ पे नहीं है, शी हैज गॉट अ जॉब आउटसाइड कोलकाता, सो शी इज नॉट इन कोलकाता नाउ। इस मंथ से उसका ज्वाइनिंग था, इट वॉज अ रियल गुड न्यूज। उसके बाद हम लोग दीदी भाई से भी नहीं मिले हैं, उसका अचानक से कहीं पे सेटल हो गया और वो चली भी गई। घर पे सिर्फ दीदी भाई और दादा है और दोनों का ही शुगर लेवल हाई है, तो मिठाई वो लोग बिल्कुल मना करते हैं कि मत लाओ, क्योंकि लाते हो तो हम लोग खा लेते हैं। दीदी भाई का कॉल आ गया शायद इसलिए हम लोग थोड़ा स्नैक्स लेके जा रहे हैं, हाँ, जो हम सब मिलके शाम को एंजॉय करेंगे। फ्लरू क्या रहा तो वहाँ पे जाके क्या करेगी, एक शाम के लिए आई है बट एक बड़ा सा बैग लेके। दीपांजन दीपांजन सब लेके आए हैं। इनके दो खाने के डब्बा वो करने पे ही तो इतना जगह लग जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टॉवेल, टिश्यूज, ये वो नहीं। दीपांजन अच्छे से टॉयज वॉयज लेके आए ताकि कियारा ज्यादा बीनी को डिस्टर्ब ना करे। टॉयज लेके आया हूँ, पता नहीं उसको अगर सामने बीनी दिख गई ना, वो तो लाइव टॉय है उसके लिए वो लाइव टॉय है। और ऊपर से कियारा का जो बेड था वो भी अभी इनके घर पे बीनी को दिया है हमने, अगर उसने देख लिया बाई चांस आज हो गया। फिर एक भी दिन उस बेड को टच नहीं किया है, वो अलग बात है, बट हाँ पहचान तो है, वो पता है, हाँ। उसको कभी ढूंढती भी नहीं है, ढूंढती नहीं है, उसको चाहिए भी नहीं वो, बट वो देखेगी किसी और के पास है तो वो गुस्सा हो जाएगी। ये गुच्छे वाली छोटी सी बेबी, गुच्छे वाली। गाइस पहुँचते हैं और देखते हुए अगर मुझे रोड पे कहीं पे फ्लोरिस्ट मिल जाते हैं तो एक बुके आज तो दीदी भाई के लिए लेना ही पड़ेगा। मदर्स डे है भाई, तुमने मुझे एक गुलाब का फूल भी नहीं दिया। गुलाब का फूल इसमें कोई देता है, कुछ तो देते है। मैंने 14 फेब में तुम्हें दिया था ना गुलाब का फूल, 14 फेब में गुलाब का फूल। The door, I'm on the way. दीदी भाई का कॉल आ गया था ऑलरेडी कि कब आ रहे हो, बोले थे कि 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंच जाओगे। और बीच में भी हम लोगों ने थोड़ा पॉज लिया क्योंकि मैंने जैसे कह रही थी ना, एक फ्लोरिस्ट मिला था बट नहीं मिला, बट बहुत सारे नर्सरी मिल गए। तो मुझे लगा मदर्स डे पे एक छोटा सा प्लांट गिफ्ट करते हैं, सिम्बॉलिक भी होगा ना मदर्स डे पे किसी को छोटा सा प्लांट गिफ्ट करना। तो ये वाला लिया तो अब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया क्लिप्स। तो ये अच्छे से सेरेमिक के पॉट में पेबल्स के साथ सेट करके दिया है एग्लोनेमा। और अभी पहुंच रहे हैं, 7 बज गया। तुम खुद के लिए भी एक ले लेती है। अब तुम चिल्लाते क्यों चिल्लाते, तुमको अभी क्यों लेना था, अभी हम लोग लेट हो रहे हैं। पॉट बहुत सारे हैं, हाँ, उसको लेके आना पड़ेगा। पॉट में लेती तो मैं, बट इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अच्छा, बट ये बहुत ही कॉमनली मिल जाएगा हमारे उस साइड में मिल जाएगा। आदर खाওয়া হয়ে গেছে, যাও একটু আদর খেয়ে ডুব করে পড়ে আসছে। तो आ गए हैं हम लोग दीदी भाई के घर। इस रूम में आज चल रहा है अड्डा, अभी तो स्नैक्स का अड्डा चल रहा था और यहाँ पे फ्लरी और कियारा डिनर कर रही है। आज हम लोग खाना खिला के नहीं लाए क्योंकि 5 o'clock खाना खिलाना बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसलिए हम बॉइल्ड चिकन और किबल्स लेके आए थे। तो यहाँ पे दोनों को खाना खिला रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे भी खाना खा रही है और हम लोगों का भी स्नैक्स होगा। बहुत अच्छे से अड्डा चल रहा है, दादा अभी देंगे, दादा आएंगे अभी। हम लोग दीदी भाई के साथ बैठे थे, दीदी भाई आ जाए फिर मिलाती हूँ। और कियारा को भूख लगा है, खाना तो खा रही है बट उसका असली चिंता है बिनी के लिए। दरवाजे से चांस मिलते ही बाहर, और इसी टाइम पे बिनी भी आके बाहर खाना खा रही है। चिकन किस तरह चिकन खाई उसने, ठीक है, फिर ऑलमोस्ट वो मेरे ऊपर चढ़ने वाली है और चाहिए, हाँ, उसको भूख लगे बहुत। मैंने बोला तो भी रुक, मैं देता हूँ तेरे को। मैंने ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये ड्राई फ्रूट उसको थोड़ा सा दिया, वो बहुत अच्छे से खा रही है चबा चबा के, वो ख़त्म कर दिया। फिर अभी मैं फिर से गया, फिर से नाम नाम कर दिए, फिर मैंने उसको लेके इधर गया और थोड़ा सा दिया उसको, खा दिया। गुड, अभी मैं दिखा के खा रही है। खेना तुम ही खेना। ये है दीदी भाई, हाय कैमन आछो, हेलो, कैसे हो आप लोग सब? खेना क्यों क्यों खेना, और मन तो अन्न जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्यों मेरे पीछे पीछे यहाँ पे कौन घूम रही है? क्यों एक्चुअली दीपांजन को ढूंढ रही है। दीपांजन का आज सुबह 7 बजे से ऑफिस का कॉल है। उसका कॉल ख़त्म होते ही आज थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग हम दोनों निकलेंगे। एंड लुक एट क्योंकि यहाँ से पता नहीं क्या दिखता है, बट ये एक ही विंडो है जिसपे वो चढ़ के ऐसे देखती है। उजबे गुड मॉर्निंग। एक्चुअली लास्ट डे मैंने शेयर किया था कि मैंने कुछ सेरेमिक का शॉपिंग किया था, वो कल टाइम ही नहीं मिला आप लोगों को दिखाने के लिए, तो अभी मैं फटाफट दिखा देती हूँ। तो ये है कुछ प्लांटर्स जो मैंने उस दीदी से लिया है। ये थोड़ा बड़ा वाला है। हो गया तुम्हारा कॉल? अभी घुमा के दिखा दूँ कैसे? वो क्या अभी चाय वगैरह नहीं? हाँ चाय बना रही। ये है और एक प्लांटर, वाइट के ऊपर एकदम हल्का बेज कलर से थोड़ा सा सेल्फ डिज़ाइन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक्चुअली दीज प्लांटर्स लुक वेरी नाइस ऑन टेबल टॉप्स। एंड दिस इज अनदर वन, इसी सेम ही है दोनों का डिज़ाइन, बट सिर्फ कलर अलग है। एकदम ही छोटे पॉट्स में मैंने ऐसे आउल शेप्ड 2 लिया है। इन सबको लेके जाऊंगी नर्सरी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक तो खुल जाता है। इंडोर प्लांट्स में लास्ट टाइम बहुत ही कम लाई थी। टेबल टॉप जो भी है या फर्नीचर्स के ऊपर रखने के लिए वो सारी जगह अभी भी खाली है, तो उनके लिए मैं ये पहले प्लांटर्स खरीदना चाहती थी और उसके हिसाब से प्लांटर्स जितना बड़ा है या जैसा शेप है उस हिसाब से प्लांट्स लेना चाहती थी। प्लांटर्स के साथ मैंने कुछ क्रॉकरीज भी लिया है। एक है ये है एक स्नैक सर्व करने का प्लेट और इसमें आप पिज़्ज़ा भी सर्व कर सकते हो। उसके साथ ये 2 डीप बोल। ये डीप बोल इसके साथ सेट में नहीं था, ये मैंने अलग से लिया है। दिस इज़ अ सर्विंग बोल, लुक वेरी क्यूट, कढ़ाई जैसा दिखता है। दोनों साइड में पकड़ने का भी जगह है। एंड उसके साथ ये कैसरोल, ये काफ़ी बड़ा है, इसका कैपेसिटी कुछ 450 ml है। तो सेट में नहीं था बट मैंने सेम डिज़ाइन लिया है ताकि सेट जैसा ही लगे। ये सारे लीड के साथ है। दीज आर ऑल माइक्रोवेव सेफ, डिशवॉशर सेफ एंड फ्रीजर सेफ। तो यही कुछ चीज़ें मैंने ली थी और अभी हम लोग फटाफट निकलेंगे क्योंकि जल्दी वापस भी आना है। फिर दीपांजन का फिर से ऑफिस का तो काम जो शुरू होगा वो हो जाएगा। हमें चिकन भी लाना है क्योंकि कल हमारे घर में कुछ प्रोग्राम्स है, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम्स है, क्या बताओ, रॉ मीट वेजिटेबल सब लाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज माय स्वीट वाइफी। सुबह सुबह निकले, एक तो बारिश और ये है माँ नर्सरी। हम लोग यहाँ पे आए थे। आज ही लिखा है इसके डोर पे 9th May to 10th May ये क्लोज है और ज़ोरदार बारिश चल रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह निकलना ही बेकार हो गया। इससे अच्छा तो हम फिश चिकन खरीदने चले जाते हैं। अब तो वो भी नहीं जा पाएंगे, इतने बारिश है। उधर बारिश नहीं हो रहा है, तुमको कैसे पता? कोई काम पे आते हैं ना और वो नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। बैड लक। नर्सरी को मेंटेन करते हैं ना, वो शायद अपने घर गए कि कुछ हुआ कि इस टाइम पे सोचा के बंद रखते हैं। पर काम क्या करेंगे? आसमान साफ है पर बारिश हो रही है। हाँ, ऊपर देख के लगेगा कि भाई धूप निकलेगा, एकदम क्लियर स्काई, बट ऐसे अचानक से बारिश। वो तो ठीक है, चलो बारिश हो रहा है रुक जाएगा, बट हम क्या करेंगे? अभी हमारा तो ये काम नहीं हुआ। ये काम कुछ ऐसा नहीं था कि आज ही करना है, नहीं तो नहीं होगा, बट फिर भी क्या था, आप दिमाग में एक चीज़ प्लान लेके निकलते हो, अगर वो नहीं होता ना थोड़ा बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि सुबह सुबह हम लोग ऐसे, और आज एकदम टाइम पे उठ के निकल गए हैं ना। जैसे सुबह होता है उठने का मन नहीं होता है, चलो छोड़ दो आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, बट आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम लोग टाइम पर रेडी होकर टाइम पर ब्रेकफास्ट करके निकल गए और आज ही हमारा काम नहीं हुआ। ओ वाह, यहाँ पे और एक नर्सरी मिल गया और ये काफ़ी बड़ा है, इसी में चलते हैं। हमारे इलाके में अगर ये है तो यहीं से प्लांट लेंगे, कोई बात नहीं। अगर माँ नर्सरी बंद है ना, यहीं पे जाएंगे। तो बारिश नहीं बंद होगा तो कैसे जाएंगे? आज लग रहा है पूरा व्लॉग मैं कार से ही करने वाली हूँ। सुबह भी कार से बात कर रही थी। हम लोग प्लांट्स खरीद के घर आ गए। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में क्या क्या लिया है। और अभी हम लोग फ्लरी को लेके जा रहे हैं उसके USG करवाने। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हमें उसी दिन का अपॉइंटमेंट मिला था, थर्सडे का, बट एक तो उस दिन ठीक 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे बहुत ही ज़्यादा तूफान और बारिश चालू हुआ और वो लैब जहाँ पे है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो हमने 2 लैब का नाम दिया था डॉक्टर ने। दूसरे लैब में कॉल किया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमारे यहाँ पर ट्यूज़डे को आते हैं USG करने। सो देन वी डिसाइडेड कि तब उस दिन फ्लरी का तबीयत भी ख़राब नहीं था, था तो उसको उतना दूर लेके जाऊंगी। और बारिश भी हो रहा है, पता नहीं पार्किंग भी मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, वेट करना पड़ेगा। तो थर्सडे और ट्यूसडे में ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है, तो हम लोग ट्यूसडे का बुकिंग करते हैं। ट्यूसडे जो स्लैब में है वो सॉल्ट लेक में है, तो हमारे घर से काफ़ी करीब है। और यहाँ पे प्री बुकिंग भी होता है, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेके प्री बुकिंग रखते हैं, कोई स्लॉट नहीं देते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। डॉक्टर जो आएंगे यूएसजी करने, मतलब डॉक्टर कृशानु घोष ने जिनसे यूएसजी करवाने के लिए रेकमेंड किया है, वो आएंगे 4:15 से 4:30 के बीच में आ जाते हैं। और जो जैसे जाएंगे उनको वैसे ही टोकन मिलेगा। तो हम लोग अभी टाइम हो रहा है 3:25, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और हम लोग पहुंच जाएंगे और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी चले जाए ताकि हमें टोकन, मतलब शुरू का ही नंबर हमारे पास रहे। यूएसजी करवाने के लिए 8 to 10 आवर्स फास्टिंग करवाना पड़ता है और उसके साथ उसका एक थायराइड प्रोफाइल के लिए ब्लड टेस्ट भी होगा, उसके लिए भी फास्टिंग है, तो दोनों ही साथ में करवा लेंगे। आज हम लोग ज़्यादा वेट ना करना पड़े और फ्लरी को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस भेजा था कि कोई मतलब स्लॉट बुकिंग नहीं होता है, प्री बुकिंग होता है, इसलिए ताकि डॉक्टर को पता रहे कि कितने पेशेंट आ रहे हैं आज यूएसजी करवाने के लिए। मामू तुम्हें कोथा क्या अच्छो। और आज जो पहली बार हुआ है वो है कियारा को छोड़ के हम लोग फ्लरी को लेके निकले हैं, क्योंकि ऐसे लैब्स एंड यहाँ पे कियारा को लेके आके बिठा के रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट कियारा बहुत सैड हुई क्योंकि कियारा के साथ ये पहली बार हुआ है कि दीदी कहीं पे निकले हैं मम्मी डैडी के साथ और वो नहीं आ रही है। अब उसको थोड़ी ना समझ में आता है कि हम लोग फ्लरी को लेके कहाँ पे जा रहे हैं। बहुत सैड हो गई। फिर भी मीठू थोड़ा टॉयज़ वॉयज़ दे के कोशिश कर रही थी उसको डाइवर्ट करने की, बट आप लोगों को पता है कियारा तो हमारी कियारा है। शाम को खाना भी खाएगी कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। बट पहले फ्लरी का ये जो काम है ये करवा लेते हैं। फ्लरी, आप लोगों ने पूछा था वीडियो के कमेंट में कि फ्लरी कैसी है, प्लीज़ अपडेट दो। फ्लरी का उस दिन जो वॉमिटिंग हुआ था उसके बाद टचवुड वो ठीक ही है, शायद वो गर्मी के लिए या पेट गर्म हो गया था इसलिए हुआ था, डिहाइड्रेटेड भी हो सकती है। बट हम लोग फिर भी यूएसजी एक बार करवा लेंगे अगर डॉक्टर ने बोला है तो हमारा हमको भी थोड़ा मन का शांति मिल जाएगा। और वो वीकडेज़ में जाना थोड़ा सा दीपांजन के लिए प्रॉब्लम तो होता है, बट उसने फिर भी ये ऐसा काम है कि ये हमें करना ही पड़ेगा। और ये दोनों ही लैब में वीकडेज़ में ही डॉक्टर आते हैं। वो थोड़ा सा ब्रेक लेके हम लोग जा रहे हैं। बाद में आप लोगों को पूरा ब्रीफ कर दूंगी कि यूएसजी कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है, क्या रिपोर्ट कब मिलेगा, सब कुछ आप लोगों को बाद में फिर अपडेट करती हूँ। हे गाइज, गुड इवनिंग। तो इतना बिजी जा रहे हैं डेज की पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ से एक के बाद एक दिन निकल रहा है और कुछ ना कुछ काम हर रोज़ है। तो हमारे फ्लरी का, मैं यही अपडेट देने के लिए आज वापस आई कि हमारे फ्लरी का जो यूएसजी होने वाला था वो हो चुका है। और उस दिन हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि वी रीच्ड दी लैब अराउंड 3:30 बिकॉज दे सेड इट इज़ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। सो आपको टोकन दिया जाएगा। डॉक्टर वाज सपोज टू कम बिटवीन 4:15 एंड 4:30। Upon reaching we came to know that doctor will be coming that day around 5:30ish and we were at number 4. They said it will be, if doctor comes at 5:30 it will be another 1.5 hour from then. तो पहुँचे हैं 3:30. अगर हमारा स्कैनिंग का कॉल आता है 7:30 को, तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अस टू वेट इन द कार। एंड वहाँ पे वेटिंग एरिया इतना ही छोटा है कि दे वर रिक्वेस्टिंग एवरी वन टू वेट विद द डॉग इन साइड द कार। तो इसलिए हम लोग हमारी जो आसानी थी कि हमारी बहुत पास में था लैब, मतलब बहुत पास में, मतलब हाफ एन आवर। सो वी डिसाइडेड टू केम बैक एंड देन अगेन अराउंड 6:30 दीपांजन टुक फ्लरी। मैं नहीं जा पाई क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे फ्रेंड्स आने वाले थे, तो मुझे थोड़ा सा घर पे दूसरे जो कुकिंग का प्रिपरेशन है वो करना था। तो दीपांजन से तुम फालतू में जाके भी क्या करोगे, वैसे भी वो लोग एक जन से ज़्यादा किसी को जाने नहीं दे रहे अंदर। देयर वर टोटल 18 डॉग्स दैट डे हु केम फॉर यूएसजी। तो एक से ज़्यादा एक डॉग के साथ किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे। तो फाइनली हमारी फ्लरी का तब जाते ही 8 बजे तक उसका हो चुका था, वो घर आ गई। तो जाने से पहले जो सबसे पहले उन्होंने किया, फ्लरी को शेव किया, मतलब ये एब्डोमेन एरिया, उसका पूरा शेव कर दिया साइड तक। और एकदम पूरा शेव, मतलब स्किन के ऊपर से ही पूरा कोट निकाल दिया ताकि स्कैनिंग में फ़ोटोज़ एकदम क्लियर आए। वो जैसे हमारे ह्यूमंस का भी होता है जेल के साथ, वो मशीन के साथ उसका स्कैनिंग हुआ, फ़ोटोज़। और जब स्कैनिंग होता है तो डॉक्टर वहीं पे फीडबैक दे देते हैं पेरेंट्स को। और उस रिपोर्ट आज आने वाला है, देखते हैं कब तक हमको मिलता है। थायराइड का रिपोर्ट आ गया है और हमें तो रिपोर्ट देख के लग रहा है नॉर्मली है, मतलब रेंज में ही है, बट थोड़े से अपर साइड में है। वो तो हम डॉक्टर घोष से जब यूएसजी रिपोर्ट आने के बाद मिलने जाएंगे उसको लेके भी बात कर लेंगे कि उसके लिए कुछ करना है कि नहीं, या वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। यही था अपडेट जो देने के लिए मैं फिर से अभी वापस आई हूँ। फ्लडू खाना खाई है बट लास्ट 3 दिन पॉटी नहीं कर रही है। उसका पॉटी ना थोड़ा सा नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है कि पहले जैसे वो एवरी डे पॉटी करती थी, कभी कभी दिन में 2 बार भी करती थी, अभी वो थोड़ा सा मतलब रेगुलराइज नहीं हो रहा है फिर से वैसे। तो वो देखते हैं यूएसजी रिपोर्ट क्या आता है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे कियारा भी बैठ के सब कुछ सुन रही है, हाँ क्यों क्या। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। टेक केयर गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉसम। बाय बाय।